हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। ऑल ओवर इंडिया के लिए 1800 वैकेंसी आप सभी के लिए निकाली गई हैं, जिसके लिए मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं और कंप्लीट प्रोसेस आप सभी को बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना और कैसे आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो रिलीज किया जाएगा इंटरव्यू के लिए और कब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पूरी डिटेल्स आप सभी को इस वीडियो में मिलेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन फ्यूचर आने वाली जॉब की नोटिफिकेशन भी आप सभी को सबसे पहले मिलते रहें। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं आईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से एलिजिबल कैंडिडेट के लिए 1800 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके भर सकते हैं। आप सभी को बता दें कि इसका जो फॉर्म होगा केवल ऑनलाइन आप भर सकते हैं। अगर किसी और मोड से अगर आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपका जो फॉर्म होगा वो कंसीडर नहीं किया जाएगा एंड इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसकी जो पूरी डिटेल्स हैं वो नीचे आप सभी को दी गई हैं, तो पूरी जानकारी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं और यहाँ पे इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं तो पूरी जानकारी को रीड आउट करके इसके लिए फॉर्म भरें ताकि आपसे कोई गलती ना हो। अब देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं पोस्ट एंड वैकेंसी के बारे में। तो टोटल 1800 पोस्ट यहाँ पे आपकी रखी गई हैं जिसके लिए आपको अप्लाई करना है। नेम ऑफ पोस्ट की बात करूं तो यहाँ पे कस्टमर इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी रखी गई है, जो कि ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी है। इसके बाद जो बात आती है वो आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो आप सभी को बता दें यहाँ पे सबसे पहले एज लिमिट, तो 18 से 45 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, जिसमें एससी और एसटी कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो 5 साल की यहाँ पे छूट दी जाती है। वहीं पे ओबीसी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ तो 3 साल की यहाँ पे उम्र में छूट दी जाती है। अगली जो बात आती है वो आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो आप सभी को बता दें इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए मिनिमम आपके पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए एंड पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके समकक्ष अगर आपके पास कोई भी डिग्री डिप्लोमा है तो भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि फ्रेशर कैंडिडेट के लिए भी ये वैकेंसी है, तो फ्रेशर कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो बात आती है वो आती है जॉब लोकेशन की। तो ऑल ओवर इंडिया में इसकी जॉब लोकेशन है, अलग अलग ब्रांचेस पे आपको ये पोस्टिंग दी जाएगी। तो जो भी आपको सिटी सूटेबल हो आप उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि इसकी जो पे स्केल रहती है कि पे स्केल कितनी रहती है। तो यहाँ पे आपको जो सैलरी होगी मिनिमम स्टार्टिंग में 24,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे आपको दिया जाएगा। साथ ही में आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे जो इंसेंटिव होता है वो भी काफ़ी अच्छा खासा बन जाता है, तो इंसेंटिव भी आप सभी को यहाँ पे दिया जाता है। अब आगे बात कर लें आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो दो स्टेज आपकी होती है, पहला इंटरव्यू। इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाता है और सब कुछ सही पाने पर ज्वाइनिंग दे दी जाती है। अब एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं होती, सभी कैंडिडेट के लिए फ्री होती है। किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी। कैसे इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है वो आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। वैसे इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होता है। वहाँ से जो भी आपको रेफरेंस नंबर या प्रिंट आउट मिले उसे संभाल के रखें ताकि फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर आप उसे यूज़ कर पाएँ। कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है? तो ऑल ओवर इंडिया से मेल फीमेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बोथ कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। एक्सपीरियंस एंड फ्रेशर दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही मैं आप सभी को बता दें कि कैसे अप्लाई करना है वो आप सभी को नीचे बताने वाला हूँ। क्लियर कर दिया कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉग इन करके आपको ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई करना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे आप सभी को दी गई हैं, जैसे कि 10 मई 2022 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और लास्ट डेट आपकी 8 जुलाई 2022 रहेगी। इससे पहले आपको इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। इंटरव्यू की डेट अभी तक डिसाइड नहीं है, जैसे इसकी इंटरव्यू की डेट डिसाइड होगी आप सभी को इसके बारे में इन्फॉर्म दे दी जाएगी। तो इसकी जो आगे की अपडेट होगी वो बहुत ही जल्दी आप सभी को बता दी जाएगी। अब आगे बात कर लें, कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स यहाँ पे आप सभी को दी गई हैं, जैसे कि ऑनलाइन अप्लाई करने का और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो स्क्रीन पे आपको हमारी वेबसाइट दिख रही है, वेबसाइट आपको गूगल में सर्च करनी है। तो जैसे ही आप गूगल में सर्च करेंगे तो आप इस वाली पोस्ट पे पहुंच जाएंगे, तो वहां से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है। आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी आप यूज कर रहे हैं उसमें आपको गूगल ब्राउजर को ओपन करना है और उसमें टाइप करना है स्टडी फॉर ड्रीम्स TRAMS.in, ये वाली वेबसाइट आपको सर्च करनी है। जैसे ही आप सर्च करेंगे, सर्च करने के तुरंत बाद आपको एक पेज मिलेगा जिस पे लिखा होगा स्टडी फॉर ड्रीम्स होम। तो आपको सिंपल होम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इस वाली वेबसाइट पे डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। तो वेबसाइट पे यहाँ पहुंचने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा आईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस रिक्रूटमेंट 2022।
तो अगर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पे आपको राइट साइड में कॉर्नर पे एक सर्च का बटन दिख रहा होगा, इसमें आपको सर्च करना है ICICI प्रूडेंशियल, तो आपको इसकी जो वेबसाइट है, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका ओपन हो जाएगा। तो सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो नोटिफिकेशन, जो अभी मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी वो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन है, और आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन में डाउट हो या कुछ भी छूट गया हो तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, और आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या इस वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और किस तरीके से भर्ती कंप्लीट होने वाली है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, जब नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है, क्लिक हियर फॉर अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म। तो आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो सिंपल आपको क्या करना होगा, इस पर अप्लाई पे, अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पे आपको सिंपल क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं क्या होता है, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उस पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनेंशियल सर्विस कंसल्टेंट, यहाँ पे आपकी वैकेंसी निकली हुई है, और इसमें जॉब डिटेल्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आता है, जॉब डिस्क्रिप्शन आप सभी को दिया गया है, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप सभी को मिल जाती हैं, और इसकी बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी नीचे आप सभी को दी गई है। तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं, ग्रेजुएट फ्रेशर और कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस 0 to 2 ईयर एक्सपीरियंस, कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी जो पोस्टिंग है वो आपकी हैदराबाद में है, इसी के अकॉर्डिंग आप सिटी के अकॉर्डिंग या होम पे जाके सर्च कर सकते हैं। अब मान के चलिए इस वैकेंसी के लिए आपको अप्लाई करना है, हैदराबाद के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो सिंपल आपको क्या करना है कि अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आगे के जो स्टेप हैं वो आपके सामने ओपन हो जाते हैं। जैसे कि जॉब लोकेशन पे आप आ गए तो जॉब लोकेशन आपको अभी हैदराबाद देगा, क्योंकि आपने हैदराबाद वाली वैकेंसी को ओपन किया है। तो आप यहाँ पे हैदराबाद आपको केवल एक ही ऑप्शन मिलेगा, तो हैदराबाद आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका नेम आता है, मिडिल नेम आता है, लास्ट नेम आता है, तो जो भी आपके हैं, और आपको जहाँ पे भी स्टार दिख रहा है वो आपको फिल करना पड़ेगा। उसी के साथ फिर आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, और यहाँ पे लास्ट में आता है आपका रिज्यूम। तो देखिए मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि आपको रिज्यूम या CV आप जिसे कहते हो वो आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास रिज्यूम होना जरूरी है, क्योंकि बिना रिज्यूम के आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो अपना रिज्यूम है वो अटैच करना है, और अटैच करने के बाद सिंपल अपना जो सबमिट एप्लीकेशन है उसे सबमिट कर देना है, तो आपका जो फॉर्म होगा वो अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद जो आपका काम होता है वो यहाँ खत्म हो जाता है। इसके बाद जो काम होता है वो होता है HR टीम का, वो आपकी एप्लीकेशन को शॉर्ट लिस्टेड करते हैं, और शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद आपको मेल के जरिए, कॉन्टैक्ट नंबर के जरिए आपको कॉन्टैक्ट किया जाता है, और आपके इंटरव्यू के बारे में आपको जो डेट होती है वो बता दी जाती है कि इस डेट को आपका इंटरव्यू शेड्यूल है। अगर आपका इंटरव्यू ऑनलाइन होना होगा तो आपको ऑनलाइन जो भी डेट होगी उसके बारे में अपडेट दे दी जाती है, या जिस जगह पे, जिस लोकेशन पे आपका इंटरव्यू होना है उसके बारे में आपको बता दिया जाता है। तो आई होप इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हो गई होंगी। काफ़ी बेस्ट जॉब यहाँ पे आप सभी को मिल जाती है, और बहुत सारी जॉब आप सभी के लिए कंटिन्यू निकलती रहती हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाले जॉब अपडेट के वीडियोस आप सभी को सबसे पहले मिलते रहें। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। वीडियोस आप सभी को सबसे पहले मिलते रहें। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। जय भारत।